हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज क्लास 7 को आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, बिकॉज आपके सर आज किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी जगह मैं क्लास लूंगा। एंड हम भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चनों को सीखना है और करना है। मैं भी देखूंगा कि कितने बच्चे आप लोग आंसर्स देते हैं और कितने आप लोग आंसर्स में आपको देने में कठिनाइयां होती हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए क्वेश्चन देखें बच्चों। जरा मेरे को ये बताओ, आप 7 बाय 5 प्लस 6 बाय 3 कितना होगा? जरा इतना पहले इसको छोटे से स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं कितने बच्चों को आता है। फटाफट करते हैं पहले। देखिए बहुत सिंपल बच्चों, इसको कैसे करना था। 7 बाय 5 प्लस 5 बाय 3 है ना। अब आप देखेंगे कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों एलसीएम अलग अलग हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, और हम तब तक फ्रैक्शन में प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। यानी कि हमारे हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि हर, और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। यानी कि अंश। तो हम इसको सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15। इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करूंगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 21। प्लस इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी, तो ऊपर भी 5 से गुणा होगी, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 6 पंजे 30। तो ये आ जाएगा बच्चों 30 और 20 50, यानी 51 बटे 15, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 31। 30 प्लस 21 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 अपॉन 15। इसको करने का दूसरा तरीका देखें, और जब हमें दिखता है कि 7 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 3 है, तो 3 2 जा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 3 2 जा 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 2 जा 6 हो रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6 कट रहा है ना, जो नंबर कट रहा है उसे काट दो। अब क्या बचा है? अब बचा है 7 अपॉन 5 प्लस 2 2 अपॉन 1, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, ठीक है। तो इधर 7, इसको एलसीएम लाने के 5 करना पड़ेगा, तो ऊपर तो ये आ जाएगा, ऊपर भी 5 से, तो जाएगा 2 5 10, तो ये आंसर आ गया 17 अपॉन 5। अब आप बोलोगे सर ये आंसर और ये आंसर दोनों अलग है, हाउ कैन यू से दैट कि कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों आप यहाँ देखोगे, हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता नियम पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में होगा। ये 3 से कट रहे हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 3 51 होता है, 3 5 जा और 3 5 जा 15, तो 17 बाय 5, और यहाँ भी 17 बाय 5। दोनों जगह आप देखोगे आंसर बिल्कुल सेम है, 17 अपॉन। क्लियर? ठीक है, समझ में आया होगा आपको, दोनों तरीके इसके क्वेश्चन के समझ में आए होंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन फंस जाता है आपके पास, 4 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो कैसे करेंगे इसको आप, इसको भी बताओ मुझे जरा। देखिए बच्चों अब इसको भी आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे सर इसके नीचे कुछ नहीं तो 4 अपॉन 1, बिल्कुल मैं ही बोलूंगा 4 अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 2, ऐसे कर देते हैं। तो जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, हम करते नहीं है आगे प्लस या माइनस। तो इसको मैं 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 हो गया, ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको 6, तो 8 और 6 14, 14 बटे 2, तो 14 बटे 2 यानी कि 7, 14 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 7 जा 14। ये क्या क्या सर आपने, 14 बटे 2 है, तो 2 7 जा 14, 7 आंसर। बट बच्चों अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखोगे, आप क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल एक्टिव रहोगे, तो आपको ये चीज यहाँ पे पता लगेगी कि जब 4 प्लस 6 अपॉन 2 था, तो एक बार नजर हमारी फ्रैक्शन पे भी चले जानी चाहिए कि क्यों हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करें। यहाँ से आप डायरेक्ट देखो 2 3 जा 6 कट रहा है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया।
इधर से भी आंसर 7 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, ये गलती हमें नहीं करनी है, 4 + 6/2, कुछ बच्चे 2 × 2 = 4 ऐसे काट देंगे, नहीं बच्चों ये क्वेश्चन ये सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये इसलिए गलत होगा कि बीच में जब तक, हाँ अगर आपका कुछ ऐसा होता 4 × 6/2, आप यहां से काट रहे 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, देन ये मैं इसको आपको सही कहता और ये चीज आप 6 × 2 = 8 कर रहे हो, ये आपका गलत होता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्लस है, प्लस होगा माइनस होगा वो हमारा हमेशा गलत होगा, और अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो आप इधर क्रॉस में काट सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, तो कि इसमें देखो तीन, एक क्वेश्चन से हमने तीन चीजें सीखी कि हमें क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें एक्टिव रखना है हमेशा, कि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा ना फंसे, दूसरा हमने सीखा कि कैसे हम जो है आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच अपना सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में करो जरा, असेंडिंग अरेंज, मैं आपको आज रिवाइज करा रहा हूँ कि सर ने जो जो आपको पढ़ा रखा है, जरा देखिए आप लोगों को कितना नॉलेज है ना। प्लस वाला तो देख लिया, प्लस वाला अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में किस अरेंज करना है, 2/7, 3/5 और 5/6। चलिए आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं बच्चों, वैसे ही करना है आपको, जरा पता है मेरे को उसका आंसर। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब बच्चों 2/7, 3/5 और 5/6, मेरे को अब इसमें ये नहीं पता 5/6 में, बच्चों ये तो नहीं पता ना कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि सब अलग अलग है ये नंबर। अब मैं इनको, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि 7, 8, 9, 11, 12, इन अब मैं आपको बोलूं कि इनमें से बताओ, इनको अरेंज करो, 4, 3, 2, 11, 5, तो आप कर दोगे सबसे छोटा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 11। आप ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि आप लोगों को इसकी पोजीशन पता थी, आप लोगों को इनकी पोजीशन पता थी कि ये लोग ये जो नंबर्स है कहाँ पे स्थापित है, कहाँ पे नंबर्स आते हैं, है ना, हमें चीजें पता थी। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर तो खैर आप बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, फिर से लास्ट में सबसे छोटा। तो अब हमने इसमें देखा कि यार इसमें तो मैंने ये देखा है कि आपको इसमें पता लग गया कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी आपको इसमें पता लग गया पोजीशन का है, तो आपने नंबर अरेंज कर लिए इजीली से, बट यहाँ तो हमें ये चीज पता ही नहीं कि क्या है। तो कोई भी चीज जब हमें नहीं पता होती, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी कि इन तीनों के जो हर कॉइन को सेम बनाएंगे, ताकि हम बता कर सकें कि ये क्या है, ठीक है। तो 7, 5 और 6, इसमें हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, 7, 5, 6 का एलसीएम मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे हम 7, 5, 6 का, चलो 7, 5, 6 का एलसीएम, तो 2, 7, 5, 2, 3 या 6, फिर 3 से करेंगे 7 ऐसे रहेगा 5, 3, 1 जा 3, फिर हम 7 से करेंगे 7, 1 जा 7, 5, 1, फिर हम 5 से करेंगे 5, 1, 1, 1, तो आ गया 5 × 2 = 10, ठीक है। ये कितना आ गया 2 × 3 × 7 × 5, तो ये आ गया 5 × 2 = 10, 70, 210, 210, तो ये हमारा आ गया 210, ठीक है। तो 210 आ गया, तो 210 बच्चों जब एलसीएम हमारा 210 आया, तो 210 मुझे सबको क्या है 210 बनाना होगा, है ना। तो 2/7 को 210 बनाने के लिए मेरे को 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साथ में, तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। फिर 3/5 में 5 से 210 को कैसे बनाओगे आप, अब मैं ट्राई करूंगा 5 से 210 को। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से 210 को, 5 में कितना गुणा करें कि 210 आ जाए, तो 5 × 20 = 1052, बोलेंगे सर 42 टाइम्स। बट मैं उनको ये बोलूंगा कि बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको कहना 5 से कितना मल्टीप्लाई करना छोड़ दो, 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, आप यहां से भी चेक करके बता सकते हो। तो 5 में मुझे कितना 42 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 में नीचे भी होगा तो ऊपर भी होगा, वैसे ही
5/6। अब 6 में कितना मल्टीप्लाई करें हम, तो अब काफी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 6 है ही नहीं, तो हमें फिर से यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। बट मैं बोलूंगा बच्चों 6 है तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 7 5 35, तो 35 ऊपर भी करेंगे 35 नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो इस सारे नीचे वाले तो 210 बन गया, तो बन गया 60/210, ये बन गया 42 थीटा, 126/210, और 5 5 25 5 15 175/210, ठीक है। तो ये 210, अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, तो मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम यानी इनका बेस सेम है, इन सब का बेस सेम है 210 210, तो इनको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ इजीली से नंबर लिख सकता हूँ, सबसे बड़ा है 175, फिर ये मार रहा है 126 को, और 126 मार रहा है 60 को, तो 175 हमारा किससे बना, 175 से हमारा 5/6 से बना, तो सबसे पहले आएगा 5/6, फिर आएगा हमारा 3/5, और फिर आएगा हमारा 2/7, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन 0.0024 × 1234, ठीक है, 1234 इसको मल्टीप्लाई करो, देखो। अब बच्चों इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें आना, इसमें कभी भी पॉइंट वाले में घबराओ घबराओ मत, इस 0.024 को 24 ही मान लो, मैं 24 मान रहा हूँ, इनटू 1000 करो, इसको बाद में देख लेंगे, जो नंबर है उसको मान लो, ठीक है। तो 24 और कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बारी, ये पॉइंट जो है कितने संख्याओं के बाद है, 1 2 3 संख्याओं के बाद ये पॉइंट है, तो इस 3 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ ही हमारा आंसर हो जाएगा 240। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 240। बड़ा सिंपल इस तरह के क्वेश्चन ये होते हैं। हमें क्या करना, मैंने बोला कभी भी मैं इस नंबर को 0.024 नहीं मानता, इसको 24 मानता हूँ, जो नंबर होगा लिख देते हैं, इंटू 1 2 3 4, तो इसमें 24 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो मैंने लिख दिए। अब मैं देखूंगा आपके पॉइंट कितने के बाद है, तो पॉइंट मैं कितने संख्याओं के आते हैं, तो 1 2 3 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो मैं भी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि यहाँ तो 240.00, तो यानी कि 240 इसका आंसर होगा। इस तरह से पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने, घबराना नहीं है। तो चलो बच्चों ये थी हमारी आज की, चलो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आप से कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।